और इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हम लोग डिस्कशन शुरू कर चुके थे कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, एक अकदे सही के कौन कौन से बुनियादी जुज होते हैं, यानी किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है इफ़ यू आर एस्किंग अबाउट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक अकदे सही करना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो इसमें चार चीज़ें हैं जो हमें देखनी है अगर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहली चीज़ तो है कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर होने सबसे पहली चीज़ है, जिसको हम कहते हैं आकदैन। और उसके बाद हमारे पास है सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर मबी होती है। मबी क्या है, कैसी होती है, फर्दर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आसान सी जबान में समझाने के लिए मैं बात कह देता हूँ कि मबी कोई भी शय या कोई खिदमात हो सकती है जिसके बारे में बात की जा रही हो। तीसरी चीज़ है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का हमारी इस्लामिक फाइनेंस में मतलब ये होता है कि कंसीडरेशन हम यूज़ करते हैं तमन के लिए। किसके लिए? तमन के लिए, कि हम उसके बदले दे क्या रहे हैं। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि तमन सिर्फ और सिर्फ पैसा ही हो। ज़रूरी है, अगर कोई बार्टर ट्रेड की जा रही है, तबादला किसी शय का किसी शय से, या तबादला किसी शय का किसी खिदमात से, या खिदमात का तबादला खिदमात से, तो समन वहाँ पे तय किया जा सकता है कि किसको समन समझा जाएगा और किसको मभी समझा जाएगा। लेकिन वो अभी हम आगे की बात करेंगे, हमारा अभी इससे अभी कंसर्न नहीं है, हम पढ़ेंगे इसके ऊपर। लेकिन अभी मैं सिर्फ आप लोगों को जो समझाना चाह रहा हूँ, आप उसके ऊपर बात करें। क्लियर? यहाँ तक तो कोई सवाल? और आखिरी चीज़, वर्डिंग्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के अल्फाज, इजाबो कबूल के अल्फाज, यानी इजाबो कबूल को हम कहते हैं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अच्छा जी, ये बेसिकली ये जो लेक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं, ये तमाम लोगों के लिए इसलिए मुफीद है क्योंकि मैं इसमें इस्लामिक फाइनेंस की जो शरई इस्तलाहात हैं वो भी बता रहा हूँ, और इंग्लिश में जो हम लोग इसको कहते हैं हम वो भी तस्किरा कर रहे हैं, ताकि आप कहीं से कन्फ्यूज़ ना हो कि ये चीज़ जो आई है आई कहाँ से, या इसको कहते क्या है। सही है ना? तो कंसीडरेशन का अगर आप उर्दू में लघवी माना निकालेंगे तो कुछ और निकलेगा, लेकिन इस्लामिक फाइनेंस में इसकी टर्मिनोलॉजिकल जो मीनिंग है वो तमन के है। क्या मेरी यहाँ तक बात समझ आ गई? अच्छा, अब देखते हैं आकदैन के लिए क्या शर्त है, अकद करने के लिए क्या क्या आकदैन की शर्त है। पहली चीज़ ये लीगल कॉम्पिटेंट। क्या? लीगल लीगल कॉम्पिटेंट। लीगल कॉम्पिटेंट का मतलब होता है कि उसके पास ये कानूनी हक हासिल हो कि वो कोई अकद कर सकता है। अब कानूनी हक कैसे होगा? कानूनी हक ऐसे होगा कि वो उस मुल्क का बाशिंदा हो, उस मुल्क का रहने वाला हो, और उसकी उम्र भी इतनी हो कि वो किसी अकद के अंदर शामिल हो सकता है, वो कोई अकद कर सकता है। मसलन किसी नादान बच्चे के साथ कारोबारी मामलात में अकद करना, क्या ये शरण जायज़ है? क्योंकि उसके साथ ये जो मामला है वो इस चीज़ को समझता नहीं है, लिहाजा उसके साथ अकद किया नहीं जा सकता, उसकी लीगल कॉम्पिटेंसी नहीं है। अच्छा, लीगल कॉम्पिटेंसी से एक बात और साबित है। लीगल कॉम्पिटेंसी से ये भी बात साबित है कि अगर कोई ऐसा बंदा जिसको गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे कि ये बैंक्रप्ट है, गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे कि क्या है, बैंक्रप्ट है, तो उसके साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अकद करने की जो हैसियत है, कानूनी हैसियत, वो खो चुका। जब अकद करने की कानूनी हैसियत वो खो चुका है तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाता। अब मिसाल के तौर पे हनीफ साहब एक कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मालिक थे, ये बैंक्रप्ट हो गए। देखा, खुशी चेक करो माशाल्लाह के बारे में। सही है, तो ये जो है ना, हाँ ये जो है, ये वाले हनीफ, जुल्फों वाला जिसने जुल्फे कटा दी है। सही है, लेकिन देखो रिकॉर्डिंग ले रहा होगा ये, अभी भी वॉइस रिकॉर्डिंग ले रहा होगा। चलो ठीक है जी। तो अगर हनीफ जो है, हनीफ जो है क्या कह दे, बैंकरप्ट डिक्लेयर हो जाए, तो क्या हनीफ को भूखा मार दोगे? खाना पीना भी नहीं खरीद के खा सकता वो खा सकता है। सही है ना? लेकिन दोबारा किसी कारोबारी मामलात में अगर ये टेक्सटाइल प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई बिजनेस करता
करने जा रहा है, किसी के साथ करने जा रहा है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में मुशारका में ये नहीं आ सकेगा। और ये बैंकिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बंदा जो बैंकरप्ट हो गया, अगर वो आपके साथ आता है कि मुझे कर्ज़ा दे दो या मेरे साथ मुशारका कर लो, तो बैंक उस बैंकरप्ट के साथ मुआहदा अकद नहीं करेगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो तो ऑलरेडी बैंकरप्ट हो चुका, और वो बैंकरप्ट अगर हो, नहीं जरूरी नहीं कि धोखे की वजह से बैंकरप्ट हुआ हो, नुकसान हो गया, दिवालिया हो गया, सही है, और वो बैंकरप्ट डिक्लेयर हो गया, तो भैया अगर कोई बैंकरप्ट डिक्लेयर हो जाता है तो उसका मतलब ये थोड़ी उसको सजा दी जाएगी, उसको जेल में डाल जाएगा, जी नहीं। अच्छा एक बात बताओ, चलो मैं इसके हवाले से एक सवाल पूछता हूँ तुमसे। सपोज कर लो मुर्गी का गोश्त हम बेचते हैं, हमारे लिए शरण जायज़ है, नहीं जायज़ है? जायज़ है। लेकिन अगर हुकूमती कानून ये आ जाए कि मुर्गी के गोश्त में इंसान के लिए सेहत से मुतल्लिका मुजर चीज़ें, मुर्गी के गोश्त का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए मुजर है, मुजर सेहत है, और इसलिए हम इसको बैन करते हैं, अब मुर्गी का गोश्त हम बेच सकते हैं? गैर शरई नहीं था पहले, ये शरई तो था इसका गोश्त बेचना, लेकिन अब क्योंकि गैर कानूनी हो चुका है, तो गैर कानूनी होने की वजह से अब ये क्या हो गया? गैर शरई भी हो गया। क्या हो गया? गैर शरई भी हो गया। बात समझ आ रही है? अगर हुकूमत किसी चीज़ पे बैन लगा दे, पाबंदी लगा दे कि अब आप ये नहीं बेच सकते क्योंकि ये इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक है, तो अब ये था, अगर इसके असल देखी जाए तो गैर शरई तो नहीं है, लेकिन क्योंकि हुकूमती एतबार से एक हुक्म आ गया कि ये गैर कानूनी हो चुका, तो गैर शरई भी हो जाएगा, क्योंकि कानूनी तौर पे उसकी हैसियत ख़त्म हो गई है। और देखो ख़ासकर जो इस पे भी बात तय जो हुक्म है वो क्या है, जो कैद है वो क्या है कि हर कानून का नहीं। अब एक बात बताओ कॉमन सी, हम बात कर रहे हैं कि गैर कानूनी होना गैर शरई कब होगा, जब कोई इस्लामी रियासत के हुक्मरान ये बात करें, सही है? अब एक इस्लामी रियासत नहीं है, वहाँ पे हुक्म आ जाए कि जानवरों का ज़िबह करना जायज़ नहीं है, हम कानूनी तौर पे मना कर रहे हैं, तो कानूनी तौर पे तो मना आ गया, लेकिन क्या गैर शरई भी हो जाएगा ये? जी नहीं, गैर शरई नहीं होगा। वजह ये है कि वो इस्लामी रियासत तो है कोई नहीं, तो हम उसके हुक्म के ताबे थोड़ी होंगे, शरीयत के मामले में उसके हुक्म के ताबे नहीं होंगे। आप जाएं अपना काम संभालें, इंडिया कानून पास करते हम क्या कर लेंगे? वहाँ के जो मुसलमान हैं बोले क्या नहीं ज़िबह कर सकते, करेंगे? बात समझ आ रही है? कुर्बानी के लिए पाबंदी लगा दें, क्या करोगे? बोलोगे नहीं करते क्योंकि गैर कानूनी हो गए, वहाँ पे गैर शरई नहीं होगा, वहाँ पे शरीयत बार से जायज़ होगा, क्योंकि वो इस्लामी रियासत तो है कोई नहीं। अच्छा यहाँ तक तो बात मेरी आई होप क्लियर हो गई होगी। तो उसका लीगल कॉम्पिटेंट होना ज़रूरी है, लीगल कॉम्पिटेंट होगा तो उसके साथ अकद किया जाएगा, वरना अकद नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज़ ये कि ये बंदा क्या होना चाहिए? मैच्योर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैच्योर यानी आकिल हो, बालिग हो, समझदार हो, यानी मजनू पागल टाइप का आदमी नहीं हो कि जिसको आपके साथ मतलब कॉन्ट्रैक्ट किया ना जा सके, वो तो भूल जाएगा करके, उसको पता नहीं। अब मिसाल के तौर पे एक एवरेज एज है एक बंदे की, अब वो अपने ज़हनी अतबार से बातों को सही समझता भी है, बात कर सकता है, तो उसके साथ अकद किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है जो उम्र तो रखता है, उम्र तो 18 साल से ज़्यादा है, लेकिन उम्र 18 साल ज़्यादा होने के बावजूद भी उसको समझ नहीं है चीज़ों की, अकल शऊर नहीं है, तो उसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाए। अगर कोई बच्चा है कम उम्र का है, समझदार नहीं है, और वो आपसे कोई मोबाइल ख़रीदना चाहता है बड़ी चीज़ बड़ी कीमत का, तो अच्छा अब देखो बात क्या हुई, अगर वो बंदा मैच्योर है तो उसके साथ अकद किया जाए। तब कोई बच्चा है जिसकी उम्र 12-13 साल है लेकिन उसके पास पैसे हैं, वो मोबाइल ख़रीदने आ गया आपके पास, आपने उसको बेच दिया, देखो अगर वो चाहे, उसका कोई वली आके चाहे कि भाई हम तो ये नहीं ख़रीदने देंगे इसको, आप ये वापस करें, तो उसके पास ये इख्तियार है कि वो आपके साथ का किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड कर दे, सही है? तो इसीलिए मैच्योर होना भी क्या है, शर्त है, ज़रूरी है। और उसके बाद आखिरी चीज़ साउंड माइंड। साउंड माइंड का मतलब ये होता है कि ज़हनी एतबार से वो क्या हो, मुकम्मल तौर पे फिट हो। साउंड माइंड, साउंड माइंड से मुराद क्या, ज़हनी एतबार से मुकम्मल वो फिट। उसकी वजह पता है क्या? देखो अगर कोई बंदा ऐसा है जो नॉर्मल हालत में क्या है, सही है, लेकिन आप
किसी किसी हालत में ऐसा होता है कि वो अपना सोचने समझने की सलाहियत को बिल्कुल खत्म कर देता है। कभी कभी होता है ऐसा कि वो भूल जाता है चीज़ों को, तो उसके साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट ना करें। बात समझ आ रही है? तो ये है कॉन्ट्रैक्टर की शरायत के आकदैन के साथ, आकदैन कैसे होने चाहिए। हमारा अगला टॉपिक क्या है? सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर कैसा होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर कैसा होना चाहिए और सब्जेक्ट मैटर की खसूसियात क्या क्या होंगी, ये थोड़ी तफसीली बात है, ये थोड़ी तफसीली बात है। पढ़ा क्या आज तुमने? क्या पढ़ा आज? कुछ नहीं पढ़ा। ये टाइम है अभी। सब्जेक्ट मैटर सही है ना? सब्जेक्ट मैटर के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सब्जेक्ट मैटर की पहली शर्त कि अगर कोई मबी है, अगर कोई शय है, तो वो क्या हो? एग्जिस्टेंस, मौजूद हो, वो चीज मौजूद हो। क्या हो वो चीज? मौजूद हो, मादूम ना हो। एग्जिस्टेंस क्या है? एग्जिस्टेंस। दूसरी चीज क्या है? लॉफुल। दूसरी चीज क्या है उसकी शर्त? लॉफुल या लॉफुलनेस भी कह सकते हो तुम लोगों के लिए। मैंने स्लाइड्स ऑलरेडी डाली हुई है, आप लोग देख सकते हैं। लॉफुलनेस, लॉफुलनेस का मतलब ये होता है कि वो मौजूद तो हो लेकिन मौजूद होने के साथ साथ कानूनी भी हो। क्या हो? कानूनी भी हो, गैर कानूनी ना हो। सही है। और गैर कानूनी से मुराद क्या? थोड़ी देर पहले मैंने मिसाल दी कि अगर मिसाल तो आपके मुल्क में तरबूज में कोई बीमारी आ जाए और तरबूज इंसान की सेहत के लिए खतरनाक हो तो क्या करोगे? अब ये अगरचे गैर शरई नहीं था पहले, लेकिन क्योंकि गैर कानूनी होने की वजह से ये भी क्या हो गया? गैर शरई हो चुका है, तो अब लिहाजा इसको भी, इसकी बै जायज नहीं होगी। सही है ना? लॉफुलनेस, लॉफुलनेस सही है ना? यानी कानूनी शय हो, ऐसा ना हो कि जिसके ऊपर। अच्छा जी, आखिरी तीसरी बात है, तो इसमें अभी दो तीन पॉइंट और। कैपेबल ऑफ, कैपेबल ऑफ ओनरशिप एंड टाइटल। कैपेबल ऑफ ओनरशिप एंड टाइटल, इसका मतलब क्या है भैया? वो आपकी मिल्कियत में भी हो और वो मिल्कियत दूसरे तक ट्रांसफर भी हो सकती हो। सही है। आपकी मिल्क में हो वो चीज और आप उसको ट्रांसफर भी कर सकते हो। सही है। कैपेबल ऑफ डिलीवरी, कैपेबल ऑफ क्या मतलब? कैपेबल ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी का मतलब ये है कि आप उसको सामने वाले को दे भी सकते हो। मिसाल के तौर पे आपके पास एक बाइक थी, आपने खरीदी, कागजात आपके नाम पे, आप चलाते रहे, आप वाटर पंप पे पहुंचे, चिपेड़ मार के किसी ने खींच ली आपसे बाइक। कागजात किसके पास हैं? आपके पास ही, अभी भी ओनरशिप किसकी है? अभी भी आपकी है, क्योंकि अगर इस बाइक से कोई वारदात हुई बेटा तो पकड़े भी तुम ही जाओ। इस बाइक से कोई वारदात हो गई तो पकड़े भी तुम ही जाओगे। ओनरशिप किसकी? आपकी। सजा का मामला भी किससे होगा? आपके साथ होगा। ओनरशिप तो आपके पास है। अब आप आए और आपने इस बेचारे इकराम, नाम चला तुम्हारा, इस बेचारे इकराम को आके घेरा और कहा इकराम बाइक है मेरे पास, ऐसे देखो 70-80 हज़ार रुपये की चल रही है, 25 हज़ार में तुम्हें दे दूंगा, 25 हज़ार में तुम्हें दे दूंगा, क्या तुम खरीदना चाहते हो? उसने कहा हाँ मैं चाहता हूँ। उसने कहा लाओ पैसे दो। पैसे उसने दिए, बोल देगा ये देखो मैं तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर कर रहा हूँ ये कागजात, लेकिन गाड़ी चोरी हो गई तुम्हें खुद लेनी पड़ेगी ढूंढ के। सच में हो चुका ऐसा? अच्छा वैसे एक बात बताऊँ, एक कहानी, नहीं नहीं कहानी है अपने पास रियल लाइफ से रिलेटेड, सुन लो। स्टॉक में बहुत कुछ पड़ा है। अब सुनोगा गेम क्या हुआ। गेम ये हुआ कि अल्लाह भला करे आपका, एक बंदा है, एक खातून थी, उसके पास एक फरारी थी। उसने वो फरारी किसी को ऑफर के सामने,
कि आप ये फरारी लेना चाहेंगे सिर्फ $100 में, सिर्फ। आर यू सीरियस, $100 में फरारी मुमकिन नहीं है। तो उसने कहा कि आई एम सीरियस, आई एम डैम सीरियस, आप अगर ये $100 में लेना चाहते हैं तो आप मुझे अभी $100 कैश दें, मैं आपको ये फरारी दे देती हूँ। ओनरशिप के अदबार, कहीं ठोकी वोकी हुई तो गाड़ी नहीं है, चोरी की तो नहीं है, कुछ उल्टा सीधा करके तो नहीं आए हो? फरारी कार है, एक बहुत महंगी तरीन गाड़ी है, सही है, फरारी। तो अब ना, उसने कहा $100 में ले लो, उसने $100 दिए और $100 में वो फरारी उसके हवाले कर दी। एंड ही वॉज जस्ट थिंकिंग कि इसने $100 में मुझे इतनी महंगी कार कैसे दे दी, क्यों बेच दी? तो उस खातून ने जवाब दिया, उस खातून ने कहा दिस कार वॉज ओरिजिनली बॉट बाय माई हस्बैंड, ये जो कार है ओरिजिनली खरीदी थी मेरे शौहर ने, और इस कार के, और उसने अपने मरते वक्त वसीयत की थी कि इस कार को बेचकर जो पैसा मिले मेरी सेकंड वाइफ को दे देना। मेरी तो जो को वाइफ थी, उसकी सौतन थी, इसको सौतन को नुकसान पहुंचाने के लिए उसने $100 में फरारी बेच दी। तो अब उसकी सेकंड वाइफ को क्या मिला? $100, सही है। तो ऐसा कभी हो सकता है कि कोई महंगी चीज बहुत सस्ते दाम आपको ऑफर की जा सके, लेकिन कोई खातून होगी तो कर सकती है, सही है। तो 25,000 में अब इसने ऑफर तो इसको कर दी, लेकिन मसला ये है कि बाइक तो हो गई चोरी, इसने कहा खुद जाके ले लो, चोर ने ले लिया मुझसे, खुद जाके ले लो। तो क्या ओनरशिप ट्रांसफ़र कर सकता है उसको? ओनरशिप तो चलो अगर ट्रांसफ़र हो भी जाए तो भी क्या ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, पोजीशन नहीं दे सकता, डिलीवरी नहीं दे सकता। ऐसी मिसाल है ना, क्या आपने कहा मछलियाँ खरीदनी, ये रहता पकड़ लो सारी तुम्हारी, बस इतने पैसे दे दूँगी। बात समझ आ रही है? मेरे पास एक मकाऊ है, मकाऊ समझते, एक तोता होता है बड़े महंगे, मतलब जो ना तोता, मकाऊ एक तरह का तोता है, महंगे नस्ल में से, महंगी ब्रीड से, सही है। आपने कहा मेरे पास एक मकाऊ है 180,000 का है, तुम्हें अभी के अभी 90,000 में दे दूंगा, ठीक है दे दो 90,000। उसने दिया, उसने कहा वो देखो दरख्त पे बैठा, खुद पकड़ लो। ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हो? नहीं कर सकते। चलो ओनरशिप कर भी दो तो उसके बावजूद भी तुम उसकी डिलीवरी दे नहीं सकते। तो एग्जैक्टली यानी उसको मैंने इंग्लिश में बता दिया आपको, लेकिन देखो याद रखो पोजीशन भी दो तरह की होती है, पोजीशन भी दो तरह की होती है, एक होती है फिजिकल पोजीशन और एक होती है कंस्ट्रक्टिव पोजीशन। कंस्ट्रक्टिव पोजीशन, सर ये थोड़ा सा आसान करके समझाइए, फिजिकल पोजीशन क्या होता है और कंस्ट्रक्टिव पोजीशन क्या होता है? सिर्फ अल्फाज सुनोगे समझ आ जाएगा। फिजिकल पोजीशन का मतलब होता है कब्जा हकीकी, और कंस्ट्रक्टिव पोजीशन का मतलब होता है कब्जा हुक्मी। क्या है? कब्जा हकीकी और कब्जा हुक्मी, यही दोनों क्या है। अब दोनों में से कोई भी ट्रांसफर कर सकता है, अगर कर दिया उसने तो बात हो जाएगी, कब्जा हुक्मी भी अगर दे दे तो भी कब्जा हो जाएगा। बात समझ आई? इसका दो पॉइंट और है, नहीं एक ही है, एक ही आखिरी पॉइंट प्रिसाइज डिटर्मिनेशन। प्रिसाइज डिटर्मिनेशन क्या कहते हैं इसको? प्रिसाइज डिटर्मिनेशन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जिस शय की बात की जा रही है वो मुकम्मल तौर पे मुअय्यन हो। मुकम्मल तौर पे क्या हो? मुअय्यन हो। बात समझ आई? किस माना में कह रहा हूँ मैं? हाँ, आपको एक बकरी बेचता हूँ, आपको इसमें से एक बकरी बेचता हूँ, तो अब ये क्या होगा? बात यही है। तो इसीलिए मुअय्यन नहीं था, मुअय्यन करना जरूरी है कि कौन सी वाली, ये वाली बकरी बेच रहा हूँ, ये वाली बकरी बेच रहा हूँ। अभी भी देखो मैं इशारे और अल्फाज के ऊपर बहस नहीं कर रहा, तुम लोग बेहतर जानते हो, सही है कि इशारा और अल्फाज अगर तजाद पाया जाए तो फिर किसको किया जाएगा प्रेफर? मतलब सफ़ेद रंग की बकरी है और आपने इशारा किया सफ़ेद, ये ब्राउन वाली बकरी, ये ब्राउन वाली बकरी कहीं दूर खड़ी है, हाँ
इशारा किसकी तरफ है, जिसकी तरफ इशारा है भाई। खैर उसके ऊपर हम बात इसलिए नहीं कर रहे कि देखो भैया मैं तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा सा ना बहुत सारी तफसील और बहस डिटेल के अंदर इसलिए नहीं जाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत सारी बातें ऑलरेडी पता है, तो उसमें मुझे क्या बात करूँ, सही है ना। लेकिन जहाँ जहाँ चीज़ मुझे समझ आती है वो मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूँगा, देखो यहाँ पे इसको ऐसे पिक करना होगा, सही है। और क्योंकि देखो वक्त कम भी है ना, तो इसलिए मैं इतना तफसील पे जाता भी नहीं, सही है, वरना मैं हर बात को पॉइंट टू पॉइंट अंदर भी जाके बात करूँ, सही है। कई जगह ऐसा होता है कि मैं सोचता हूँ कि बोलूँ फिर उधर नहीं बोलता, रहने दे निकाल दो, पता होगा इन लोगों को, बात समझ आ रही है। आर वी क्लियर टिल येट? दो उसूल बता दिए, कॉन्ट्रैक्टर और सब्जेक्ट मैटर। अब अगली बात हमारी होगी कंसीडरेशन से रिलेटेड। कॉन्ट्रैक्टर में कितनी चीजें, कौन कौन सी, लीगल कॉम्पिटेंट, साउंड माइंड। सब्जेक्ट मैटर में एग्जिस्टेंस, मौजूद, लॉफुल, कानूनी, कैपेबल ऑफ ओनरशिप, मिल्क उसके तक ट्रांसफर करने की सलाहियत हो आपके पास, कैपेबल ऑफ डिलीवरी यानी कब्जा देने की भी सलाहियत हो, और आखिर में प्रिसाइज डिटर्मिनेशन कि वो चीज़ क्या हो, मुअय्यन भी हो, वो चीज़ क्या हो। और कब्जा कितनी तरीके का होता है, कब्जा है हकीकी और कब्जा है हुक्मी।